लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुहुआ अपनी बातों से कैंगलैन को पका रहा था, और अब जुहुआ की बातें सुन के कैंगलैन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो अपना शॉट निकालते हुए कहते है कि तुम एक बहुत ही बड़े अनोइंग पर्सन हो, और अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला है तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी। और अब जुहुआ फिर से उसी स्टाइल में बात करते हुए कहता कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैंने साओचेन से मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अब अगर तुमने मुझे मार दिया तो इससे तुम साओचेन को ही अनहैप्पी कर दोगी। और अब ये सुनने के बाद कैंगलैन उसके ऊपर से अपना स्वॉर्ड हटा देती है, और फिर जुहुआ बहुत ही प्यार से कहता कि कैंगलैन मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाओगी। और अब जुहुआ की ऐसी बातें सुनने के बाद कैंगलैन अपने बालों को नोचते हुए कहती है कि ये बंदा कितना ज्यादा एनोइंग है, और तभी उसे एक आइडिया आता है और फिर वो कहती है कि मुझे इसका मुंह बंद कराने का तरीका मिल गया। और फिर कैंगलैन अपने एक स्पेल से जुहुआ को पूरी तरीके से बांध देती है, और फिर वो जुहुआ से कहती है कि अब तुम यहीं पे चुपचाप पड़े रहो, और ये कहकर कैंगलैन वहाँ से चली जाती है। और अब सीन चेंज होता है और हम साओचेन को देखते हैं जो कि एक माउंटेन पे खड़ा था, और अब साओचेन कहता है कि जुहुआ ने जो जगह बताई थी वो यहीं कहीं आसपास है, जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि हाँ मैं उसे फील कर सकता हूँ। और फिर ब्लैकी उस एरिया को फाइंड करने के लिए जाने लगता है और सीधे उस माउंटेन से नीचे कूद जाता है, जिस पर साओचेन भी ब्लैकी के पीछे पीछे चला जाता है। और अब नीचे पहुँचने के बाद वो लोग एक और जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर सारी चीजें बादलों से ढकी हुई थी, और उन बादलों में थंडर भी जनरेट हो रहे होते हैं। और अब ये देखने के बाद साओचेन हंसते हुए कहता है कि ये तो वॉइड पावर है, और अब ब्लैकी कहता है कि साओचेन वो माइनस के नीचे है। तब साओचेन कहता है कि चलो फिर, और इतना कहते ही साओचेन वहाँ से कूद जाता है। और अब वहाँ से कूदने के बाद साओचेन एक और जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पर एक पोर्टल घूम रहा था, और अब साओचेन जैसे इस पोर्टल को आके छूता है तो उससे साओचेन को थंडर का झटका लगता है। और अब ये देखकर ब्लैकी कहता है कि ये एक प्रोटेक्शन बैरियर है, और अब साओचेन उस बैरियर को देखते हुए कहता है कि जिस भी पर्सन ने इस बैरियर को क्रिएट किया है अगर वो एक सुप्रीम लॉर्ड नहीं हुआ तो फिर वो उन लोगों में से होगा जिसने सुप्रीम लॉर्ड के साथ फाइट की है। और फिर साओचेन कहता है कि मैं इस पोर्टल को देख के बता सकता हूँ कि इसके अंदर का जो एरिया होगा वो एक्सट्रीमली लार्ज होगा। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है तो क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, जिस पर साओचेन कहता है कि यस, अगर इसके अंदर का एरिया बड़ा होगा तो इसका मतलब ये भी है कि इसके अंदर का माइंड भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और फिर साओचेन कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से इस माइंड की कोई देखरेख कर रहा है, और वो पर्सन इस क्रिस्टल विंड के फुल फॉर्म में आने का वेट कर रहा है। जिस पर ब्लैकी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि हम लोग कितने अच्छे लोग हैं जो दूसरों के घर और माइंस को उनसे पहले ही लूट लेते हैं। और अब साओचेन कहता है कि ब्लैकी हमें अपनी पावर्स को कंबाइन करना होगा तभी हम इस पोर्टल को खोल पाएंगे, और इतना कहते ही साओचेन अपने और ब्लैकी की पावर से उस पोर्टल को खोल देता है। और फिर साओचेन कहता है कि ब्लैकी क्या तुम तैयार हो, और इतना कहते ही साओचेन उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। और अब उस जगह पे पहुंचने के बाद साओचेन कहता है कि ब्लैकी ये जगह कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस पर ब्लैकी भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर साओचेन कहता है कि इस जगह की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ऐसी पावरफुल एनर्जी तो अपर रियल्म के भी पास नहीं है। और अब तभी साओचेन की तरफ एक बहुत ही बड़ी थंडर बरसने लगती है जिसे देखकर ब्लैकी कहता है कि इसे तुम मुझ पे छोड़ दो, और अब ब्लैकी पूरी तरह से उस थंडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर ब्लैकी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कड़वा था, और अब साओचेन कहता है कि ब्लैकी हमें यहाँ पर केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये जगह एम्प्रेस की पावर से घिरा हुआ है। और अब ब्लैकी किसी चीज को देखते हुए कहता है कि वो वहाँ पर है, और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी एक तालाब को देख रहा था, और अब साओचेन उस तालाब की ओर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो उन्होंने माइंड को यहाँ पर छिपाया है। और अब ब्लैकी बिना कोई सब्र किए सीधे उस तालाब में कूद जाता है, लेकिन तभी ब्लैकी को चारों तरफ से मॉन्स्टर मछलियाँ घेर लेती है और ब्लैकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और अब साओचेन सामने बने एक फॉर्मेशन में अपने पावर से अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ी एनर्जी जनरेट होती है, और फिर सारे मॉन्स्टर मछली वहाँ से ब्लैकी को छोड़ के भाग जाते हैं। और अब ब्लैकी साओचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि सॉरी, और अब साओचेन कहता है कि मेरे ख्याल से इस फॉर्मेशन को जुहुआ ने क्रिएट किया होगा। और अब ब्लैकी और साओचेन दोनों उस तालाब के अंदर जाने लगते हैं, और अब उस तालाब के नीचे पहुँचने के बाद साओचेन और ब्लैकी को क्रिस्टल विंग्स दिखने लगते हैं। और अब उन सारे क्रिस्टल विंग्स को देखने के बाद ब्लैकी कहता है कि यहाँ पे तो जन्नत है, और अब साओचेन उन क्रिस्टल विंग्स को देखने के बाद कहता है कि ऐसे क्रिस्टल विंग्स तो अपर रियल्म में भी नहीं पाए जाते। और फिर साओचेन भी उन सारे क्रिस्टल विंग्स को टच करके देखने लगता है, और अब तभी साओचेन को वहाँ पर किसी और के भी होने का अंदेशा होता है। और फिर साओचेन कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, और अब ब्लैकी भी अपनी पावर से बहुत ही जोर से रोर करता है लेकिन फिर भी वो पर्सन बाहर नहीं आता। और अब साओचेन अपने थंडर पाल्म का यूज करता है लेकिन फिर भी वो आदमी सामने नहीं आता है। और फिर वो आदमी साओचेन को चेतावनी देते हुए कहता है कि यंग मैन तुम जहाँ से भी आए हो लौट जाओ, वरना बाद में तुम चाह के भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे। जिस पर साओचेन कहता है कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटने वाला, जिस पर वो पर्सन खुद को विजिबल करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। और अब उस ओल्ड मैन को देख के साओचेन स्माइल करता है, और अब ब्लैकी सीधे जाके उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, और अब वो ओल्ड मैन बड़े आराम से ब्लैकी के अटैक को डॉच कर देता है। और अब वो ओल्ड मैन ब्लैकी के अटैक को देख के कहता है कि इस बीस्ट का एक सिंपल अटैक एक पावरफुल एम्परर के अटैक से भी कहीं ज्यादा है। और फिर वो ओल्ड मैन ब्लैकी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम कोई नॉर्मल थर्ड आई वुल्फ नहीं हो। और अब ब्लैकी हंसते हुए अपने मिस्टिक थंडर को उस ओल्ड मैन के ऊपर बरसा देता है, लेकिन फिर भी मिस्टिक थंडर से भी उस ओल्ड
सुपरमैन का कुछ भी नहीं होता है। और अब ये देखने के बाद साशन कहता है कि तुम एक सुप्रीम मास्टर हो, जिस पर वो ओल्डमैन कहता है कि अब जब तुम्हें पता चल ही चुका है कि मैं कौन हूँ तो फिर तुम दोनों यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते। और अब ये सुनने के बाद साशन कहता है कि माना कि तुम एक सुप्रीम मास्टर हो, लेकिन तुमसे तुम्हारी बॉडी कब की छिन चुकी है और अब बस तुम एक चलते फिरते घोस्ट हो जिससे किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्डमैन कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सुप्रीम मास्टर की इंसल्ट करने की, जिस पर साशन कहता है कि तुम बस एक भटकती आत्मा हो जिसे आज मेरे हाथों मुक्ति मिलने वाली है। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्डमैन कहता है कि भले मेरे पास अभी मेरी बॉडी ना हो, लेकिन तुम्हारे जैसे एरोगेंट लड़के को तो मैं ऐसे ही खत्म कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो ओल्डमैन अपने फॉर्म में आने लगते हैं। और अब ये सुनने के बाद साशन अपने फुल पावर के साथ उस ओल्डमैन के ऊपर जाके अटैक कर देता है और फिर बिना कोई मौका दिए उस ओल्डमैन के ऊपर अपने पंचों से भी अटैक कर देता है। और अब साशन के पंच के लगने के कारण वो ओल्डमैन सीधे तालाब से बाहर निकल जाता है, जिस पर साशन फिर से उसके पास आके एक पंच मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। और अब साशन अपने स्टाइल में पूछता है कि सुप्रीम मास्टर बताओ अब तुम कैसा फील कर रहे हो। और अब वो ओल्डमैन भी अपने पोटेंशियल में आते हुए अपने स्काई लेवल के स्किल का यूज करता है जिसका नाम एवलेंस ऑफ होलो था, और फिर उस अटैक को साशन के ऊपर कर देता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद साशन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के सेकंड मूव का यूज करता है। और अब साशन के अटैक के सामने उस ओल्डमैन का कोई भी अटैक काम नहीं करता है। और अब साशन के अटैक को झेलने के बाद वो ओल्डमैन कहता है कि ये यंग लड़का तो ब्रजुआ से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब साशन कहता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी पावर थी। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्डमैन कहता है कि बच्चे तुमने मुझे ये करने पे अब मजबूर कर दिया है। और इतना कहते ही वो एक आर्मर से लैस हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये एक सेलेस्टियल क्रिस्टल आर्मर है और इस आर्मर की खास बात ये है कि आज तक कोई भी इस आर्मर को ब्रेक नहीं कर पाया है। और अब ये सुनने के बाद साशन कहता है कि गुड, और फिर साशन कहता है कि आज तुम अपने आर्मर को टूटते हुए देखोगे। और अब ये सुनने के बाद ओल्डमैन कहता है कि बच्चे आखिरकार तुम में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, जिस पर साशन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड मूव को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और ये कहकर साशन उस ओल्डमैन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और अब साशन के अटैक को देखकर वो ओल्डमैन एक सेवंथ क्लास की स्काई लेवल की स्किल का यूज करता है और अब साशन का अटैक उस ओल्डमैन के अटैक को तोड़ देता है, जिसके कारण वो ओल्डमैन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब साशन बिना कोई मौका दिए फिर से फर्स्ट मूव का यूज कर देता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद वो ओल्डमैन किसी तरह साशन के उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और अब वो ओल्डमैन साशन के उस अटैक को रोक ही रहा होता है कि तभी साशन उस ओल्डमैन के गाल पे थंडर पाल्म को चिपका देता है। और अब थंडर पाल्म के पड़ते ही वो ओल्डमैन फिर से जाके जमीन में धस जाता है। और अब साशन फिर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्डमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बार बार बेइज्जती करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और अब इतना कहते ही वो ओल्डमैन बहुत ही बड़ी एनर्जी को जनरेट करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि उस ओल्डमैन ने अपनी पावर की हेल्प से वहां पर एक लेडी को क्रिएट कर दिया है। और फिर वो ओल्डमैन अपनी किसी खास टेक्निक का यूज करते हुए अपने आप को तुरंत ही हील कर लेता है। और अब ये देखने के बाद साशन कहता है कि अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब साशन उस लेडी को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस टेक्निक को पहले भी कहीं देखा है। और अब ओल्डमैन कहता है कि बच्चे अब मैं तुम्हें एक सुप्रीम मास्टर की ट्रू पावर दिखाता हूँ। और फिर वो ओल्डमैन कहता है कि मेरे इस स्किल का नाम अवतार ऑफ टैलेंट है। और फिर वो ओल्डमैन कहता है कि जाओ इसे खत्म कर दो। और अब इतना सुनते ही वो लेडी सीधे साशन की तरफ बढ़ जाती है। और अब साशन उस लेडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो इनहेंसमेंट की पावर है और इस स्किल में ये लेडी किसी को भी अपने वश में करके उसे बहुत ही आसानी से मार सकती है। और अब इतना सोचते ही साशन भी उस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर वो लेडी साशन के अटैक से बच जाती है। और अब वो लेडी अपनी ब्यूटी को फैलाते हुए साशन को अपने वश में करने की कोशिश करने लगती है। और अब तभी साशन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक ओल्डमैन मुझे सेड्यूस कर पाएगा। और फिर साशन कहता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।